हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ से लेकर सेवेंथ पार्ट तक सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, उनमें हमें जो फ्रैक्शंस गिवन है, हमें उनको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स, 3:2:5 मल्टीप्लाई बाय 4:7। तो सॉल्यूशन में पहले तो हमने इस क्वेश्चन को यहाँ एज इट इज नोट कर लिया है, 3:2:5 मल्टीप्लाई बाय 4:7। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, पहले हम इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए, 5 × 3 = 15, 15 + 2 = 17 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 17 आएगा, अपॉन में ये 5 है, तो यहाँ अपॉन में ये 5 आ गया, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ एज इट इज, 4:7 भी यहाँ पर एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि कोई भी न्यूमरेटर और कोई भी डिनोमिनेटर आपस में कट नहीं रहे हैं, तो हम सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ न्यूमरेटर में है 17 और यहाँ न्यूमरेटर में है 4, तो 17 × 4 होता है 68, तो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा 68, डिनोमिनेटर में यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, 5 × 7 होता है 35, तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया स्टूडेंट्स 35। तो हमारा आंसर आ चुका है 68/35। लेकिन क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके भी दिखा सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? देखिए, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से छोटा है, इसका मतलब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ 68 को डिवाइड करेंगे 35 से, 35 × 1 = 35, 68 में से 35 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 33। अब जैसे ही ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा हो गया है, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके दिखा सकते हैं। ये जो क्वोशेंट है 1, सबसे पहले यहाँ पर ये क्वोशेंट 1 आएगा, उसके बाद ये रिमाइंडर 33 यहाँ पर आएगा, अपॉन में ये डिवाइजर 35 आएगा। तो फिफ्थ पार्ट का हमारा फाइनल आंसर आ गया है 1:33/35। अब हम सिक्स्थ पार्ट को सोल्व करेंगे स्टूडेंट। सिक्स्थ पार्ट में हमें गिवन है 2:3/5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज नोट कर लिया है, 2:3/5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये जो मिक्स फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए, 5 × 2 = 10, 10 + 3 = 13 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 13 आ जाएगा, अपॉन में ये 5 है, तो ये अपॉन में 5 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, और ये 3 भी यहाँ एज इट इज आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कोई भी न्यूमरेटर और कोई भी डिनोमिनेटर आपस में कट नहीं रहे हैं, तो हम सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ न्यूमरेटर में है 13 और यहाँ न्यूमरेटर में है 3, 13 × 3 = 39 होता है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 39 आ गया, यहाँ डिनोमिनेटर में है 5 और यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पर 1 होता है, तो यहाँ 5 है और यहाँ 1 है, तो 5 × 1 = 5 होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स 39/5। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए कि ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से छोटा है, तो ये कैसा फ्रैक्शन हुआ? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आप चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके भी दिखा सकते हैं। उसके लिए हम इस 39 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 × 7 = 35 होता है स्टूडेंट्स, 39 में से 35 माइनस करेंगे आपको मिलेगा 4। अब जैसे ही ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा हो गया है, तो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके दिखा सकते हैं। सबसे पहले ये जो क्वोशेंट है 7, ये यहां पर आएगा, देखिए 7 यहां आ गया, ये रिमाइंडर 4 यहां पर आएगा, अपॉन में ये डिवाइजर 5 आएगा। तो सिक्स्थ पार्ट का हमारा फाइनल आंसर आ गया है 7:4/5। अब हम सेवेंथ पार्ट को सोल्व करेंगे। सेवेंथ पार्ट में हमें गिवन है 3:4/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो सॉल्यूशन में पहले तो हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज यहां पर लिख लिया है, 3:4/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले हम इसे चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 7 × 3 = 21, 21 + 4 = 25 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 25 आ गया, अपॉन में 7 है, तो अपॉन में 7 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, 3/5 यहाँ पर एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए कि यहाँ न्यूमरेटर में 25 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, तो ये 25 और 5 आपस में सोल्व किए जा सकते हैं, ये दोनों ही 5 से कट सकते हैं। देखिए, 5 × 1 = 5 एंड 5 × 5 = 25।
अब यहां पर न्यूमरेटर में है 5 और यहां न्यूमरेटर में है 3। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 5 इंटू 3 15 होता है, तो यहां पर न्यूमरेटर में 15 आ गया, यहां डिनोमिनेटर में 7 है, यहां डिनोमिनेटर में 1 है। 7 इंटू 1 7 होता है, तो यहां डिनोमिनेटर में 7 आ गया। अब हमारा आंसर आ चुका है 15 अपॉन 7। लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि यहां डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके भी दिखा सकते हैं। इसके लिए हम 15 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 टू द 14 होता है, तो यहाँ 14 आ गया। 15 में से 14 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1। अब जैसे ही ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा हो गया स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके दिखा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है 2, ये यहाँ पर आएगा, देखिए 2 यहाँ पर आ गया, ये रिमाइंडर 1 यहाँ पर आएगा, अपॉन में ये डिवाइजर 7 आएगा। तो 7th पार्ट का हमारा फाइनल आंसर आ गया है 2:1/7। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।